नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूबी नायर है। मैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं एक पत्रकार और स्वतंत्र लेखिका हूँ। मैंने भारत रत्न विषय पर एक पुस्तक समर्पण प्रकाशित की है। आज मैं आपको भारत रत्न सम्मान के विषय में कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी और मेरे द्वारा दिया हुआ हर जानकारी आपके लिए लाभकारी होगा। भारत रत्न से जुड़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया इस वीडियो को आखिरी तक देखें। हमारे देश में सर्वप्रथम 1954 में जब भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की गई, उस वर्ष महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षक थे, उनकी याद में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी चाणक्य और दूरदृष्टा माने जाते हैं, वैसे ही विज्ञान साधक के रूप में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी का सम्मान है। वर्ष 1955 में शिक्षाविद डॉक्टर भगवान दास जी और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें मैसूर राज्य निर्माता भी कहा जाता है, दोनों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1957 में पंचशील के प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, और कुशल राजनीतिज्ञ गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1958 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जी, जो समाजसेवी एवं समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1961 में कुशल डॉक्टर के रूप में ख्याति प्राप्त डॉक्टर विधान चंद्र राय जी का सम्मान किया गया। उसके साथ ही हिंदी भाषा के महाप्राण पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1962 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1963 में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक माने जाने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, साथ ही हिंदू धर्मशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी का सम्मान किया गया। वर्ष 1966 में सादगी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारे देश में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी प्रथम व्यक्ति हैं। तत्पश्चात 1971 में लौह महिला माने जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सम्मानित किया गया। वर्ष 1975 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित वराहगिरी वेंकटगिरी जी, जिन्हें श्रमिक संगठन के नेता भी कहा जाता है, उनका सम्मान किया गया। वर्ष 1976 में जनसेवक के रूप में ख्याति प्राप्त के कामराज को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1980 में मानवता की रक्षक एवं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त मदर टेरेसा जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में महान आत्मा के रूप में जाने जाने वाले आचार्य विनोबा भावे जी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1987 में प्रथम विदेशी व्यक्ति के रूप में खुदाई खिदमतकार के रूप में जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान जी का भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारे देश में वर्ष 1988 में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले एमजी रामचंद्रन जी को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, जो को जिन्हें भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति प्रदाता के रूप में जाने जाने वाले नेल्सन मंडेला जी को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1991 में भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत युवा शक्ति की पहचान के रूप में जाने जाने वाले हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 1991 में लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी सम्मानित किया गया। इसी वर्ष मोरारजी भाई देसाई, जिन्हें गांधीवादी नेता के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें भी वर्ष 1991 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो शिक्षा क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं और साथ ही दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में देश में जाने जाने वाले JRD टाटा जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में सत्यजीत रे, जिन्हें विशेष ऑस्कर विजेता भी कहा जाता है, उन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी, जो क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन इनके परिवारजनों ने इस सम्मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वर्ष 1997 में भारतीय क्रांतिकारी नारी अरुणा आसफ अली, दो बार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में सुस्वर लक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी और हरित क्रांति के जन्मदाता C सुब्रमण्यम एवं समग्र क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में मनवता की आवाज़ एवं प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एवं असम मुक्ति प्रदाता गोपीनाथ बारदोलोई और सितार वादन के पर्यायवाची पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी एवं शहनाई के स्वर उस्ताद बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में गुरु शिष्य परंपरा के पोषक पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें खेल के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही विज्ञान की सकारात्मक सोच रखने वाले चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव जी को भी भारत रत्न सम्मान से वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया है। वर्ष 2014 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जिन्हें प्राप्त है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और आदर्श और ईमानदारी की मिसाल के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब प्राप्त हुआ तो उनके घर जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह सम्मान उनके घर में उनके हाथों दिया। वर्ष 2019 में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, साथ ही असम के लोकप्रिय गायक वर्ष 2019 में भूपेन हजारिका और वर्ष 2019 में ही गांधीवादी नेता नानाजी देशमुख जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों को जनरल नॉलेज से जुड़ी किसी और विषय के बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।